अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू ग्लोरियस पार्टी चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने M5 के रॉयल पास के रिवॉर्ड्स के ऊपर। 1 से लेकर 50 RP तक जो रिवॉर्ड होने वाले हैं, मिथिक आउटफिट होने वाला है, इसके अलावा जो आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो यार वीडियो काफ़ी OP होने वाली है और आई होप सो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है ये वीडियो देख के, क्योंकि यार 1 से लेकर 50 RP तक रिवॉर्ड्स जो कि आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं 100%, ठीक है ना, वो आप लोगों को दिखाऊँगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लाजमी लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना, बिकॉज यार आप लोगों का एक शेयर इस वीडियो को आगे तक प्रमोट कर सकता है। तो अपने फ्रेंड्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और फेसबुक ग्रुप्स के अंदर शेयर करना, ताकि बाकी लोग भी रिवॉर्ड्स देख सकें M5 रॉयल पास के 1 से लेकर 50 RP तक। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं और चल के देखते हैं अपने M5 के रिवॉर्ड्स। यार सबसे पहले हम लोग जो है C1S3 के M5 के जो टायर रिवॉर्ड्स हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सिल्वर के ऊपर जो हम लोगों को ये मास देखने को मिलने वाला है M5 C1S3 टायर रिवॉर्ड के अंदर, सिल्वर अगर आप लोगों का टायर हो जाता है तो आप लोगों को ये मास देखने को मिलेगा। उसके बाद सिल्वर के बाद गोल्ड टायर के ऊपर अगर आप लोग जाते हो C1S3 M5 रॉयल पास के अंदर, तो आप लोगों को एक ये कवर देखने को मिलेगा, जो मेरे ख्याल से मुझे तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यार एक तरह से गधे की शक्ल भी बन रही है। तो खैर आउटफिट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग आउटफिट देख सकते हो। आप लोग भी बताना कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है आउटफिट। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा प्लैटिनियम टायर के ऊपर, अगर आप लोगों का प्लैटिनियम हो जाता है C1S3 M5 के अंदर, ठीक है ना, M5 के अंदर और M6 भी, बल्कि ये सेम ही चलेगा, क्योंकि एक जो रॉयल पास होता है हमारा, ठीक है ना, वो रॉयल पास डिफरेंट डिफरेंट आते हैं 2 महीने, बट जो है सीज़न हमारा एक ही चलता है C1S3। तो C1S3 के अंदर आप लोगों को ये वाले टायर रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे। और मुझे आउटफिट का वैसे थोड़ा अच्छा लगा है, लेकिन बस इसका कवर थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो डायमंड कर लेते हो अगर आप लोग, तो आप लोगों को DBS की स्किन देखने को मिलेगी। भाई DBS की स्किन बहुत रेयर है, आती नहीं है, ठीक है ना, और अब फाइनली इन्होंने दे दी और मैंने अभी परसों ही रिडीम करी है, ठीक है ना, जो हमारा UC वो जो आया हुआ है अनलिमिटेड UC वाला, ठीक है ना, तो वो वाला मैंने वहाँ से रिडीम कर लिया और अब इन्होंने भाई टायर रिवॉर्ड्स में डाल दिया डायमंड करने पर, तो ये भी खैर मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये आप लोग अगर एस कर लेते हो तो आप लोगों को ये मिलेगा, ठीक है ना, पैराशूट C1S3 एस पैराशूट आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरह का होने वाला है। और क्राउन के ऊपर तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों को 3 रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड मिलते हैं और बाकी एस मास्टर और एस डोमिनेटर के वही रिवॉर्ड्स होने वाले हैं जो कि हर सीज़न होते हैं। इसके बाद हम लोग चल के बात कर लेते हैं, भाई साहब आप लोग देख सकते हो आप लोग सामने RP1 के रिवॉर्ड्स, ठीक है ना, M5 रॉयल पास के, तो आप लोगों को ये वाला आउटफिट देखने को मिलने वाला है जिसका नाम होने वाला है लीथल कैरप्चर सेट, ठीक है ना। ये आउटफिट मुझे काफ़ी रंगीन अच्छा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, पिंक पिंक, तो लड़कियों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा ये वाला आउटफिट। और उसके बाद आप लोग देखते हो MK47 की स्किन पहली दफ़ा PUBG मोबाइल ने भाई दे दी है RP1 के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी OP है और किसी के पास MK47 की अभी तक स्किन नहीं होगी, तो गार्डियन MK47 के नाम से स्किन आने वाली है, जो कि मुझे तो भाई काफ़ी अच्छी लगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को MK47 की स्किन क्या कैसी लगी है, और इन रिवॉर्ड्स के अंदर आप लोग ये भी बताना कि कौन सा रिवॉर्ड आपको सबसे अच्छा लगा है। तो RP5 के ऊपर आप लोगों को जो है एक ये लीथल कैरप्चर कवर देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी OP है। और इसके बाद भाई मैं जो आप लोगों को चीज़ दिखाने लगा हूँ वो तो आप लोगों को मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि यार जोकर मास्क, क्योंकि काफ़ी अर्से वो जोकर मास्क आ नहीं रहा था, ठीक है ना, Season 2 से आया हुआ है, उसके बाद से अभी तक नहीं आया, ठीक है ना, और मुझे लगता है ये उसी से मिलता जुलता है, लेजेंडरी है और काफ़ी OP मुझे तो लगा। तो भाई ये मिलेगा तो काफ़ी मज़ा आएगा अपने को। तो ये आप लोग देख सकते हो ये रहा लीथल कैरप्चर मास्क, मुझे तो यार इस आउटफिट के साथ बिल्कुल खुबा हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, और इसके ऊपर का वो जो है बाल है उसने भी साइडों से कवर कर लिया, तो मुझे तो यार काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को RP5 अगर आप लोगों का हो जाता है और आप लोग रॉयल पास अपग्रेड करते हो तो आप लोगों को ये रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। RP5 10 के ऊपर जो है आप लोगों को ये बैकपैक देखने को मिलेगा, जिसका मुझे तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब इस तरह का थीम ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा गोल्डन गोल्डन पिंक पिंक कुछ इस तरह का थीम इन्होंने दिया है, जो कि रॉयल पास को काफ़ी यूनिक बना रहा है और काफ़ी ज़्यादा आइटम्स को जो है ना इन्हांस कर रहा है। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो भाई 15 RP के ऊपर जो है आप लोगों को एक इमोट देखने को मिलेगा और एक ऑर्नामेंट देखने को मिलेगा। ऑर्नामेंट आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का होने वाला है आप लोगों का, और एक आप लोगों को जो है अवाटार देखने को भी मिलेगा यहाँ पर। और 15 RP के ऊपर जो है आप लोगों को एक इमोट भी है, जो कि आप लोगों को फ्री रॉयल पास के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह का कुछ इमोट होने वाला है, यार क्या ही मज़े का इमोट है, सही जोकर वाली फीलिंग दे रहा है यार ये। तो मुझे बताना कि आप लोगों को जो है अभी मैं आगे चल के जो है नेक्स्ट जो मिथिक की इमोट है हमारा वो भी दिखाता हूँ, और आप लोग बताना कि 15 RP वाला आप लोगों को इमोट ज़्यादा अच्छा लगा है या वो वाला अच्छा लगा है, ठीक है ना, वो मुझे देखे बताना। मुझे तो वैसे 15 RP वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार अभी तक, बहुत यार हैवी इमोट है, मज़ा आ गया यार देखने का इसको तो। और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो आप लोग जैसे 20 RP के ऊपर आप लोगों को एक मैचेट की स्किन देखने को मिल जाती है, जिसका नाम है आई थिंक सो क्रूक्ड फ्लैश मैचेट, आई थिंक सो कुछ ऐसा ही नाम है इसका,
फ्लश है या फ्लैश है कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर जो है कुछ चेस की तरह की जो है चीज़ें बनाई गई हैं, चेस कार्ड जो होते हैं हमारे उसको बनाया गया है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है यार, मतलब ओपी सीन हो गया रे बॉयज़। उसके बाद आप लोग देख सकते हो 25 RP के ऊपर फ्री RP के अंदर आप लोगों को जो है एक आउटफिट देखने को मिल रहा है, और अगर इसको लेजेंडरी भी आप लोग कर दो तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि यार लेजेंडरी वाली लुक ये दे रहा है और मुझे ये भी काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस दफ़ा का पूरा रॉयल पास ही मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। 100 अभी जो 50 RP वाला आउटफिट है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है यार। वैसे मैं एज़ कम्पेयर टू जो इस दफ़ा वाला रॉयल पास हमारा आया था M4 का, उससे तो काफ़ी अच्छा है। और 30 RP के ऊपर जो है आप लोगों को जो है कुछ प्लेन की स्किन भी देखने को मिल जाती है, और भाई प्लेन की स्किन भी यार काफ़ी यार OP है, और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी की गई है। और मुझे तो भाई देखने का और इसको लेने का बहुत ज़्यादा है कि जल्दी जल्दी M5 आए और भाई हम लोग अपग्रेड करें। तो स्टे कनेक्टेड गाइस, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना, और हमारी जो पहली वीडियो आएगी M5 रॉयल पास अपग्रेडेड की, ठीक है ना, उसको ज़रूर देखना, ठीक है ना। 1 से लेकर 50 हम लोग RP एक ही दिन में करेंगे, तो उसको ज़रूर देखना। इसलिए आप लोग बेल आइकन को ऑल पर कर दो, ताकि आप लोगों को अपकमिंग न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ईजिली मिलता रहे। उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये वाला हम लोगों का इमोट होने वाला है मिथिक, जो कि आप लोगों को 30 RP के ऊपर जो लोग रॉयल पास परचेज करेंगे उनको मिलेगा, और ये भी कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि कुछ यूनिक है और कुछ एनिमेशन को ऐड किया गया इसके अंदर। इसके बाद आप लोग आगे चलते हो तो आप लोगों को 35 RP के ऊपर जो है एक S686 की स्किन देखने को मिल जाएगी एंशियंट के नाम से, और भाई एंशियंट अब भी भाई मैंने S686 की भी स्किन रिडीम करी है, और अब दोबारा भाई S686 की स्किन अब जाके दे रहे हैं। मैंने कहा था शॉटगन की स्किन नहीं है, तो वो जो अनलिमिटेड यूसी वाला आया हुआ है, लिमिटेड यूसी या पता नहीं अनलिमिटेड यूसी जो भी है वो जो आया हुआ है, तो भाई उधर से रिडीम कर लेता हूँ ना। ये शॉटगन की स्किन है S686 की करी, S1987 की और DBS की, और भाई दो स्किनें तो अब हमारी आ ही रही है नेक्स्ट रॉयल पास के अंदर। मुझे हो रहा है कि शायद मैं कुछ और ही रिडीम कर लेता। तो 40 RP के ऊपर आप लोग देख सकते हो आप लोगों को एक कार 98 की स्किन देखने को मिलने वाली है, गार्डियन कार 98। वैसे कार 98 की स्किनें तो काफ़ी दे चुके हैं पबजी मोबाइल वाले, बट ये स्किन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, थोड़ा गोल्डन गोल्डन टच दे रही है और काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग भी है इसके अंदर। तो मुझे बताना कि आप लोगों के पास कार 98 की स्किन कौन कौन सी है, और कौन कौन से रॉयल पास आप लोगों ने अपना रॉयल पास अपग्रेड किया हुआ है, तो आप लोगों को ये वाली जो स्किन है वो कैसी लगी कार 98 की। मुझे तो ये स्किन अच्छी लगी है, क्योंकि लास्ट टाइम जो एक अच्छी मेरे पास स्किन है वो वही है जो पिंक वाली है, आई थिंक सो सबके पास ही होगी, ज़्यादातर लोगों के पास अभी रिसेंटली रॉयल पास के अंदर आई थी। इसके बाद आप लोग 50 RP वाला आउटफिट देख सकते हो, कुछ इस तरह का होने वाला है 50 RP का आउटफिट, जिसका नाम होने वाला है हमारा वैंगर्ड कवर आउटफिट, ठीक है ना, जो कि काफ़ी वैंगर्ड आउटफिट है और वैंगर्ड कवर है इसका, ठीक है ना। तो वेव थोड़ी थोड़ी है इसके अंदर, ठीक है ना, आउटफिट थोड़ा अच्छा है, गोल्डन एंड आप लोग जो है इसके अंदर गोल्डन एंड ब्लू कलर देख सकते हो, थीम इसका कुछ इस तरह का ही है, और इसका जो हेडगेयर है वो भी थोड़ा मतलब कि हेलमेट टाइप का बनाया गया, ऐसे आप कह सकते हो इसको हेलमेट भी लग रहा है ये, जैसे कि किसी बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है। तो अगर आप लोग हाइड करके खेलते हो अपना, ठीक है ना, तो आप लोगों को ये काफ़ी अच्छी और प्रीमियम लुक देने वाला है। अभी मैं आप लोगों को इसके साथ जो है इमोट करके भी दिखा देता हूँ, मिथिक इमोट जो कि आया हुआ है हमारा इसके साथ, तो ये आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का होने वाला है। तो यार वीडियो को जरूर से लाइक करना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यार आप लोगों को ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहे, और जो इतनी मुश्किल से यार हम लोग वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, बनाते हैं, तो उसका जो है हम लोगों को भी रिवॉर्ड मिल जाए, तो शेयर लाजमी करना हर एक ने। और मुझे बताना कि आप लोगों को M5 का रॉयल पास कैसा लगा, और इस तरीके से मैं लीक्स की वीडियो और बनाऊँ या नहीं बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो बाकी अभी हम लोग लॉबी में चलते हैं, और लॉबी में कि आप लोगों से बात करते हैं। तो भाई लोग ये थे हमारे C1S3 RP M5 के 1 से लेकर 50 RP तक रिवॉर्ड, जो कि आप लोगों को आगे देखने को मिलने वाले हैं, कंफर्म रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि इस वीडियो को जो है हम लोग आगे से आगे प्रमोट कर सकें। तो लव यू हो गया ऑल जाने मंस, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद अ न्यू टॉपिक। वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।